उतना मिल नहीं सकते। और मम्मा को टिकट कैंसिल करवानी नहीं है, सारे पता नहीं कबूतर बन जाते हैं ई करके, जैसे भैया दिख ही नहीं रहा कि, फिर उनको ये माइंड में आता है कि ये तो इसकी बात कर रही हूँ मैं इसकी। हाय हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? फोन सेट कर रही हूँ मैं अपना, ये वाला मेकअप लुक आप ऑलरेडी देख चुके हो मेरे चैनल के ऊपर। साड़ी के साथ साड़ी चैलेंज था, कोलैब था, हड़बड़ में इसलिए फोन ऑन कर दिया क्योंकि पहले सोचा कि अनरेडी नहीं शूट करती हूँ, लेट हो गई, बट बाद में मैंने सोचा कि चलो फटाफट से कर, अनरेडी तो होना ही है ना, ऐसे तो अब खाना बना नहीं सकती। शाम को शूट करना शुरू किया था, रात हो गई है, एंड चलो फटाफट से फिर। बाय द वे, आपको ये वाला लुक कैसा लगा एंड हमारा कोलैब कैसा लगा? और कोलैब आने वाला है इंटरेस्टिंग वाले, तो या कोई कोलैब्स के आइडियाज होते तो आप लोग भी देते रहा करो। बाकी हाँ, मैं हूं ना थोड़ा टिकटॉक पे थोड़ा सा सर्च मारती रहती हूँ, देखती रहती कौन कौन से नए नए आइडियाज है। ये साड़ी वाला तो बाई चांस मेरे माइंड में आ गया था कि चलो साड़ी, क्योंकि मैंने एक साड़ी के साथ ना मेकअप लुक अपलोड करना था, तो मैंने जैसे सबको बोला कि मैं चलो साड़ी के साथ कर दे, क्योंकि मैंने तो देखो करना ही करना था, तो एक साड़ी चैलेंज हो जाएगा, हैशटैग साड़ी चैलेंज। अच्छा था ना ये वाला? आप लोग कमेंट डाल देना, ठीक है? तो सालो सालो उतारे फटाफट से। कुछ सोचने लग जाती हूँ पता है मैं क्या, कि इस एंगल से शूट कर लिया, इस एंगल से फोटो ले ली, इस एंगल से ये ले, क्योंकि अगर एक बार ये उतर गया मेकअप फिर तो भैया कोई एंगल नहीं ना रहेगा। चार पांच टिकटॉक्स बना लिए एंड इस एंगल से फोटो ले ली, उस एंगल से, मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ता है फटाफट, क्योंकि हमेशा ना माइंड के कहीं किसी कोने में ना हड़बड़ 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 चल रही है, मतलब समझ रहे हो आप, रिलैक्स होके नहीं करते क्योंकि सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना गाइस। अब मेरा मन क्या कर रहा था राइट नाउ कि मैं पर्पल हॉल शूट करूँगा, देखो सामान पड़ा है पर्पल का स्किन केयर, लेकिन अगर वो करूँगी तो उसमें मेरे 20 मिनट लग जाएंगे, तो उतने 20 मिनट में मैं अपना मेकअप तो उतार के अपना यू नो डिनर का वो कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं करने वाली। अब कल फिर से मेकअप करूँगी, कोई फाउंडेशन का रिव्यू करूँगी, उसके साथ साथ मैं फिर पर्पल हॉल शूट करूँगी। गर्मी बढ़ गई है, मेरे को इतनी गर्मी लग रही, थोड़ी सी स्वेटिंग भी होनी शुरू हो गई, एसी भी नहीं लगवा सकी। अब लॉकडाउन में कहाँ एसी लगेगा भाई, मेरे को एसी लगवाना है। मेरा मेकअप मुझे ना अच्छा नहीं लगता, फिर आपको पता ना थोड़ा सा स्वेटी स्वेटी सा लगने लग जाता है, एसी को क्या करूँ। चलो यार ये नेल्स उतारते हैं, अभी भी मेरे को पता नहीं ऐसे वाली फीलिंग आ रही है ना, जैसे कोई क्लिप छोड़ तो नहीं दी, कोई क्लिप छोड़ तो नहीं दी, अभी भी मेरे को लग रहा है जैसे मैं एक बार सोच लूँ मेकअप उतारने से। जब कोलैब की वीडियो होते हैं ना तब मुझे ज़्यादा टेंशन हो जाती है, अपनी वीडियो में तो चलो कम ज़्यादा डाल लें, कोलैब वाली वीडियो में क्या होता है कि हमारा पहले से डिसाइडेड होता है कि हमें ये वाली क्लिप चाहिए, वो चाहिए, इस एंगल से चाहिए, उस एंगल से चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए इस एंगल से, हमें यूट्यूब के लिए चाहिए, एंड या आई थिंक आई एम डन। या आज थोड़े से टिकटॉक्स कम बनाए मैंने क्योंकि टाइम नहीं है, बस हो गया, अब आई एम डन, चलो कर दूँ ना, देख लो, मतलब ऐसा होता है मेरा हाल। चलो फिर एक सेकंड रुको यार, सोचने दो, सोच लिया, नहीं है कुछ भी, चलो फिर उतारते हैं इनको। एंड या सॉरी गाइस, आज मैं थोड़ी सी लॉस्ट लगूंगी, पता नहीं क्यों आज, पता मैंने ये वाला मेकअप लुक मेरी वजह से थोड़ा सा मैंने डिले करवाया, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, क्या करूँ कैसे करूँ, कहाँ से समय लेकर। एक बार तो दो मिनट कल मैं सोच भी रही थी कि आंटियों को बुला लेती हूँ, आंटी आएंगी घर पे अपना अपना काम करेंगी, झाड़ू पोछा बर्तन करेंगी, मेरा आधा काम तो भैया वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बट डन फिर कोरोना के चक्कर हो जाता है कि नहीं रहने देती हूँ, अभी छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा पता ना आपको रिस्की होता है राइट नाउ। अब रबर बैंड नहीं मिलेगा वो पड़ा, एक सेकेंड, मतलब सीरियसली मेरा मन कर रहा है कि मैं आंटियों को बुला, आप लोगों को कमेंट डाउन करो ना, आप लोगों ने बुला लिया क्या अपने घर पे, या खुद ही काम कर रहे हो अभी भी सारा? मैं तो भैया अभी भी सारा काम खुद ही कर रही हूँ। आरफ की कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं, इस हफ्ते का अपडेट मैं आपको दे दूँ, आरफ की सारी कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं, आरफ का एक हफ्ते का टेस्ट डन, और उसके मार्क्स 10-10 मार्क्स आए हैं, फुल मार्क्स आ गए हैं, एंड दोबारा से टेस्ट होने वाला पूरा हफ्ता। मुझे लगा था सिर्फ एक हफ्ता टेस्ट होगा, जब कल डेट शीट मिली था बस लाइक व्हाट, मंडे से फिर से टेस्ट है, मंडे टू सैटरडे, चलो करवा लूंगी, बट कॉपी का था ना कंप्लीट करनी है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा हो गए थे कि अच्छा कर लेंगे, करते हैं करते, जब पढ़ा ना डंडा मैडम का कि इतनी तारीख से आप सबकी कॉपीज चेक होंगे, बस लाइक डूड मैं कहाँ हूँ, मेरे को बीच बीच में कुछ कुछ असाइनमेंट्स छोड़े हुए थे, कुछ कुछ असाइनमेंट्स मिसिंग थे, कुछ कुछ इसको नहीं करवाया था, समझ आए ना, हम थोड़े से लीनियंट्स हो जाते हैं। अच्छा हुआ स्कूल वालों ने थोड़ा सा करके डंडा लगाया ना, जब टाइम टेबल का एंड सब कुछ का, तो फटाफट से करने लगी मैं, थोड़ा सा
जो सच था बता दिया, इसलिए आप मैं पैनिक थोड़ा सा ये वाला हफ्ता ज़्यादा, आपने देखा कि वीडियोस भी मेरी कम आई क्योंकि मुझे था कि भाई अब प्रायोरिटी आ रखो, रखो छोड़ो अभी इसको साइड में। नेकलेस उतार लिया, ये मीशो का है, आप सबको पता, अब आपको मेरी चिटचैट की वीडियोस अच्छी लगती है इसलिए मैंने फिर चिटचैट, मुझे लगा चलो फिर से कर लेते हैं, एंड उतारना तो है ये, थोड़ी सी आपका सिर खा लूंगी मैं, एंड मेरे से बात ही करवा लो जितनी मर्जी, जितना मर्जी सिर खिलवा लो मैं खा लूंगी। आई लव बातें करना, मुझे बड़ा मजा आता है। बचपन में क्या होता था ना, जब मैं बातें करती थी जब मैं छोटी होती थी, तो मेरे पापा या भाई अगर बीच में, जैसे मेरी बातें होती थी थोड़ी सी लंबी, आपने अभी भी देखा ना कहाँ की कहाँ 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 कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ मैं ली जाती हूँ, तो लंबी होती थी, तो कई बार पापा और भाई ना थोड़ा सा लगते थे अरे भैया अब बंद करेगी, अब बंद करेगी, अब बंद करेगी, इसका टॉपिक अब खत्म होगा, मैं एक टॉपिक से दूसरे दूसरे पे तीसरे तीसरे पे चौथे, जब वो थक जाते थे ना तो कई बार ना पापा और भाई ना आपस में बातें करने लग जाते हैं, अच्छा हाँ भाई फिर किधर हो यार, उनको लगता था कि मैं चुप कर जाऊंगी और मुझे लगता था बुरा, और मैं क्या करती, मैं क्या तुम लोगों ने बीच में टोका ना मैं फिर से शुरू से सुनाऊंगी, कहते नहीं नहीं हमें शुरू से नहीं सुनने तुम्हारी कहानी, फिर मैं बोलती थी अच्छा बताओ मैं क्या बोल रही थी, पर फिर डर के मारे दोनों रिपीट करते क्या बोल रही थी, उनको डर लगता था कहीं सुबह सुबह से बोले इन कहीं शुरू से फिर से ना वही वाली स्टोरी सुनाने लग जाए। अरे यार मायके में हम लोग इतनी लड़कियां कैसे रहती हैं, मतलब एकदम धौंस के साथ, एकदम मतलब जैसे पता ही नहीं होता दीन दुनिया का, मतलब हमें हमें नहीं पता होता, बट रियलिटीज गाइज कुछ और होती है। रियलिटी तो भैया ढप करके थप्पड़ मारते हैं, अच्छा ये है सच्चाई, अच्छा ठीक है, फिर थोड़ा कम बोलते हैं, लिमिट में बोलते हैं, कई बार तो बोलते ही नहीं है, कई बार तो चुप करके ही अपना घर का सारा काम कर लेते हैं। हाँ बट आजकल मैंने रिसेंटली एक नया शुरू कर दिया है, आप सबका सिर खाना, मतलब चलो अब मैं थोड़ा सा साड़ी चेंज कर लूँ, नहीं 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 उसे पहले क्या करने में लेंसेज उतारने, लेंसेज उतारने, लेंसेज कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, हमेशा की तरह वही गंद पड़ा रहेगा, आपको क्या दिखाऊंगा हमेशा की तरह, चलो देखना चलो आ ये देखो, ये मत सोचना कि ये मत सोचना कि ये बहुत दिनों से है, सुबह एकदम क्लीन था, ये एकदम क्लीन था, उसको अच्छे से साफ सुफ करके तब जाके वाला मेकअप लुक शूट किया है, अब रात को इसको कर लूँगी क्योंकि इतना टाइम ना मैं आराम से कर लूँगी ना, राइट नाउ एक्टिव, और मुझे एडिट करके क्लिप को प्रिया दी को देनी भी है, प्रिया ब्यूटी जोन, वही सारी सब यूट्यूबर्स की क्लिप लेके एडिट करती हैं, तो चलो पहले यार पानी पीने का बड़ा मन कर रहा, रुको एक सेकंड पानी पी लूँ, ले आई मैं अपना पानी, इतनी प्यास लग रही थी ना मुझे, नाउ आई रियलाइज की वीडियो शूट करते समय ना मेरे को ना ध्यान में जैसे होता है ना कई बार तुम अपना काम कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, पर ना प्यास लग रही थी मुझे, मुझे कुछ फील हो रहा था लाइक आई नीड समथिंग, इधर की लैशेस का ना ये मैग्नेट थोड़ा सा खराब हो गया है, कुछ नया इसका जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे गम के साथ, कहने का मतलब मुझे गम वाली लैशेस लगाना अब सीखना पड़ेगा, ये वाली तो अब पता नहीं ब्रांड ने भेज दी तब कहाँ आएगा, फीलिंग सो गुड सच्ची में, वो डेढ़ ग्लास पानी पी लिया मैंने, मुझे ऐसा लगा जैसे घबराहट हो रही थी मुझे, चलो भैया लेंस उतार ले अब फटाफट से, एंड लैशेज उतारे, ब्राउन कलर के लेंस थे, बॉशन लॉन्ग के लेंस थे, अरे भाई चिपक क्यों गए तुम आपस में, तालो हो गया, पानी डालना, पानी कहाँ है इसका वाटर, अरे यार हाय हो गया, अब लैशेस उतारूंगी, एंड गर्मी लग रही है यार इस कमरे में, उधर एसी चला के बैठे हुए, क्या करूं यार क्या मुसीबत है, एसी भी नहीं ले सकता बंदा, अब मैं उतारी अपने लैशेस, लेट मी चेंज माई क्लोथ, मजा आ गया दोनों चीजें उतार के चेंज कर लिया, अब गाइज मैं यूज कर रही हूँ ये नाइट सूट, मैंने अपना चेंज कर लिया, ये है गुड वाइब्स का रेसबेरी प्लस पेपरमेंट शाइन इनहेंसिंग मेकअप क्लेंजिंग लोशन है, मेरे पास ना गुड वाइब्स के दो क्लेंजिंग लोशन थे, मुझे मिल ही नहीं रहे, और उसकी मैंने डिटेल में वीडियो भी शेयर की थी, मुझे लगता है मम्मा के घर में पड़े होंगे क्योंकि मम्मा के घर में ना एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसके अंदर काफी सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स थे,
एंड मेरी एक टैची अभी भी पड़ी है, मतलब पिछले साल की गर्मी छुट्टियों की टैची पड़ी हुई है, क्योंकि वरना गर्मियों के कपड़े थे वो थोड़े से इधर, मुझे लगा कि चल बाद में ले आऊँगी, फिर बाद में फिर मम्मा चली गई, फिर मेरा जाना नहीं हुआ, एंड मैं बीच में गई थी अपने लहंगे वगैरह लेने, चाबी तो मेरे पास ही है, एंड और फिर से गर्मी छुट्टियाँ आ गई और एक साल होने वाला है और हम मिल नहीं सकते। और मम्मा को टिकट कैंसिल करवानी पड़ी, लॉकडाउन की वजह से। मुझे नहीं करनी होती चिट चैट वीडियोस, ये मेरा अंदर वाला निकाल देती है सब कुछ। अब पता नहीं अब कब मिलेंगे, एक साल तो ऑलरेडी हो चुका है मई में। अरे इतना मन कर रहा ना मम्मा के घर रहने का, वो जो पैम्पर करते हैं ना घर वाले अपने, वो अलग ही चीज़ होती है, और कोई नहीं करता, सारे ग्रांटेड लेते हैं, सारे ग्रांटेड लेते हैं। तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लो, तुम जितना मर्जी कुछ कर लो, बट कोई भी नहीं देखेगा, किसी को दिखता ही नहीं है, सारे पता नहीं कबूतर बन जाते हैं ई करके, जैसे भैया दिख ही नहीं रहा। कि फिर उनको ये माइंड में आता है कि ये तो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए, वो अपना नहीं होता ना गाइस, मतलब थोड़ा कम बोलना चाहिए मेरे को, चलो क्या करना है तो समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ मैंने ये रिमूव करना अपना मेकअप, मेकअप रिमूव करके ना मेरा मन कर रहा था एक फेस पैक लगाने का, तो मैं अभी क्या करूँगी, मेकअप रिमूव करके फेस वॉश करके मैं छोड़ दूंगी, ठीक है ना, क्रीम वगैरह लगा के सुबह बाकी की वीडियो शूट करूंगी। कोई कायलिन करके कोई गुड वाइब्स का नया फेस पैक आया है, वो कल सुबह अब लगाऊंगी ना, तो बाकी की वीडियो सुबह शूट करके कंप्लीट करूंगी, जैसे लास्ट अनरेडी किया था बिल्कुल वैसे ही। हाय फ्रेग्रेंस अच्छी है, रैसबेरी जैसी है इसकी और मिंट जैसी है ना। गलत किया वैसे तो मैंने, मुझे इसको पहले थोड़ा सा मसाज करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके ना इसके साथ मसाज करो। अब देखो लिपस्टिक तो लिक्विड लिपस्टिक थी, ये तो निकल गई आराम से, एंड अब बारी आती है आई मेकअप की, तो थोड़ा सा लेते हैं, स्प्रेड करते हैं एंड आईज के ऊपर लगाते हैं। मेरे को अभी अभी एक रियलाइज हुआ कि मैंने जो वीडियो शूट की है, मैंने बोल रही थी ना आज मैंने गड़बड़ की है, YouTube पे इस एंगल से हमें शूट करना था, तो इस एंगल से ना मैंने एक साड़ी का लुक भी लेना था, लाइक दूर से खड़ा होके, मैंने लिया ही नहीं, मैंने इस एंगल से सारे लुक ले लिया, मुझे इस एंगल से वीडियो को बीच में घुसेड़ना पड़ेगा एडिटिंग करके, क्या यार। इतनी बार डिस्कस होने के बावजूद मैंने ही ये बात बोली थी, एंड मैंने ही नहीं शूट की, मैं क्या करूँ आजकल ना, मेरा ध्यान भी एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा होता है ना दिल में दिमाग में, अब बोल भी नहीं पाते। अब मेकअप उतार लिया मैंने पानी के साथ, बस अपना मैं फेस को गीला करके आई हूँ, एंड मुझे इतना ठंडा ठंडा लग रहा है ना अभी, इतना मज़ा आ रहा है ठंडा ठंडा, क्योंकि इसके अंदर पेपरमेंट है ना, पुदीने के पत्ते, तो ठंडा ठंडा लग रहा है। फिर मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली मोरक्कन आर्गन ऑयल प्लस विच हेजल का, ये एंटी एक्ने फेस वॉश है गुड वाइब्स प्लस का, एक्ने वाली मेरे को आते जाते रहते हैं ना, तो मैं डर के मारे ना यूज़ करती रहती हूँ इनका, कोई ना कोई फेस वॉश हो गया या नाइट क्रीम होगी, मतलब मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फेस आपको पता ही है सारे भर जाते, फिर दाग हटाते रहो इनके। बस गाइस अब मैं अपने फेस को वॉश करूँगी, लेकिन बाकी की वीडियो मैं करूँगी सुबह शूट, ठीक है, क्योंकि मुझे एक ना फेस पैक लगाने का मन कर रहा है, बट अभी अभी मेरा आई एम डन, अभी मुझे एडिटिंग करके भेजनी है यार क्लिप, पता है कल वीडियो जानी है, कल संडे है ना, संडे को जानी है, अभी सैटरडे को अभी रात को मैं ये वाली क्लिप शूट कर रही हूँ। चलो पानी से गीला करूँगी तो और ज़्यादा ये लेदर करेगा, बाथरूम में करती हूँ। फेस धो लिया मैंने अपना, ठीक है, एंड गाइस बाकी की स्किन केयर रूटीन ना सुबह करूँगी मैं, स्किन केयर रूटीन इन द सेंस कि टोनर एंड क्रीम जो लगाऊंगी वो तो आप देखोगे ही दोबारा से, क्योंकि अभी दिखाऊंगी फिर सुबह दिखाऊंगी तो बेवकूफ़ी होगी। अभी मुझे एक फेस पैक लगाना है, वो मैं कल सुबह लगाऊंगी, अभी की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड कल कंटिन्यू करेंगे, फिर एडिट करेंगे, फिर अपलोड कर देंगे, संडे को देखते हैं कब अपलोड करती हूँ मैं। आजकल मैं काम थोड़ा कम कर रही हूँ, मैं नहीं नहीं आजकल मैं यूट्यूब का काम थोड़ा कम कर रही हूँ, अदरवाइज घर का तो पूरा काम कर रही हूँ। चलो पागल होगी मैं, बाय 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 बाय, भूख भी लग गई मुझे,
भूख लगी है छोटे से मेरे पिट्टी को, वो बोला खाना दे दे, अब बहुत देर से लेके घूम रही है मेरे को इधर से उधर उधर से। यार इतनी मोटी हो गई, कैसे पतली हो। मेरे को अपना वॉक करने का भी टाइम नहीं मिलता, पता है मैं वॉक भी नहीं कर पाती, घर का इतना काम होता, करने कराने के बाद मैं मुंह खोल के सो जाती हूँ। हाय गाइस, नेक्स्ट डे का शूट है ये रात को, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अब मैं शूट कंटिन्यू नहीं करूंगी, क्योंकि बस फेस वॉश करके मुझे सोना था। तो मेरा मन था मैं कोई पैक लगाऊं, अभी अभी जस्ट इसको ओपन किया है। ये है गुड वाइब्स की आर्गन सॉफ्टनिंग फेस जेल है ये। अगर आप ऑयली स्किन वाले हो ना तो आप जेल्स यूज करनी शुरू कर दो, कोई वाली भी आप जेल यूज करो, चाहे आर्गन हो, चाहे वो एलोवेरा जेल हो, लेमन जेल हो, वाटरमेलन जेल हो, क्यूकुम्बर जेल हो, कोई भी जेल हो आप वो यूज करनी शुरू कर सकते हो। और मैंने ये वाला फेस पैक इनका ट्राई करना था, गुड वाइब्स का लाइट कायोलिन पाउडर। कायोलिन ना मुल्तानी मिट्टी ही होती है, उसकी बहन होती है छोटी सी। मुल्तानी मिट्टी की ही आए वाइट कलर की, स्मेल नहीं है, मेरे को आदत है हमेशा, गंदी आदत है हमेशा सूंघने की। तो बस चलो फेस पैक मिक्स करूंगी, साथ साथ में इसको मैं चिटचैट वाली वीडियो ही रखूंगी। ये आप देख सकते हो थोड़ा सा मैंने डाला इसमें से हाफ चम्मच, एंड आप इसमें दही डाल सकते हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कर्ड वगैरह ऐड कर लेना, या फिर अगर आपकी नॉर्मल सी स्किन है तो आप या तो रोज वाटर ऐड कर लो, या फिर आप जेल कोई ऐड कर लो। मेरा तो मन कर रहा है जेल ऐड करूं आज, ठीक है, क्योंकि मेरे पास फिर जेल्स पड़ी होती हैं। ये है इनके आर्गन जेल, तो आपको भी पता है इतना सारा सामान होता है कई बार नहीं यूज हो पाता, तो मुझे होता है कि यार मैं इसको एक्सपायर क्यों करूं, इसको एटलीस्ट हम यूज कर लेना। आजकल मैं स्किन केयर क्यों करने लगी हूं, ज्यादा आप लोगों के साथ शो करने लगी हूं हर वीडियो के बाद मेकअप, क्योंकि ना मुझे होता है मैं इनको यूज करूं, नहीं तो फिर कई बार आलस आ जाता है वीडियो के चक्कर में, तो चलो यूज कर भी लेते हैं। ओके, मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। मैं आपको कल रात को क्या बोला था, अच्छा जिन लोगों ने पूरा व्लॉग अभी तक देखा है तो उनको पता होगा कि मैं कुछ कल रात को बोल रही थी कि जब मैं मेकअप उतार रही थी मुझे बार बार एक डाउट फील हो रहा था कि मैंने कुछ मिस किया है, मैंने कुछ छोड़ा है, मैंने वीडियो कंप्लीट नहीं शूट की, मैंने कुछ पार्ट वीडियो का छोड़ दिया है जैसे, है ना। मैं आपको बार बार बोल रही थी ना मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है जैसे कुछ इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट था बेटा। बताती हूँ क्या, मैं जाके मेकअप वेकअप उतार लिया, सब कुछ मुंह वगैरह धो लिया। एक सेकेंड, कौन सी का आ रहा है, पानी पीना है, जो पानी पी ले और जा। अच्छा पापा को देना, अच्छा ठीक है। और अरब चलो बाथरूम में चलो। अच्छा मैं आपको बोली थी ना मैंने क्या छोड़ दिया, अच्छा ये जो साड़ी चैलेंज था, हैशटैग साड़ी चैलेंज, ये मेरा ही, मैंने ही डिसाइड किया था, क्योंकि मुझे ना साड़ी के साथ एक मेकअप लुक करना था। आप सबको पता है ग्रे साड़ी थी, जाटकी की साड़ी थी, मीशो का ये नेकलेस था, जब से मैंने लिया था हॉल वीडियो शेयर की थी तब से मैं शोर मचा रही हूँ मुझे एक लुक शेयर करूंगी, ठीक है। मैंने सबको बोला मैं क्या, देखो चलो एक साड़ी चैलेंज करते हैं, अगर सबके पास है तो करते हैं, चुन्नी वगैरह लेके वाला काम नहीं करना कि चुन्नी ले लिया साड़ी में, क्या नहीं, सबने प्रॉपर साड़ी डाल के ही मेकअप लुक करना, अगर आप सबके पास है तो वी कैन डू अ चैलेंज ऑफ हैशटैग साड़ी चैलेंज। तो सबने अग्री किया क्योंकि सबके पास थी। फिर मैंने बोला कि ज्वेलरी पास वगैरह करेंगे, क्योंकि ये ना टिकटॉक पे मैंने क्लिप देखी थी जिसमें ये ज्वेलरी पास करने वाली थी, तो ये भी मैंने डिसाइड किया था, बड़ी प्यारी क्लिप थी, किसी ने बनाई थी अपनी टिकटॉक पे डाली हुई थी, तो चलो ये भी हमने अग्री कर लिया। मैंने क्या किया, मैंने वो वाला पार्ट तो शूट कर लिया जिस पार्ट में मैंने प्रियादीप को एक सेट देना था जिसमें मैं उनको कोई ज्वेलरी आइटम पास कर रही हूँ, वो मैंने शूट ही नहीं की। प्रियादीप आप सबको पता बहुत प्यारी यूट्यूबर हैं, अब मेरी उनसे बात होती रहती है इंस्टाग्राम पे, ग्रुप में भी एंड पर्सनल व्हाट्सएप पे भी हम चैट करते रहते हैं। तो मैंने प्रियादीप को बोला मैं क्या, आपने कौन सा वाला कोई ज्वेलरी आइटम आपने कौन सी डालनी है मुझे बता दो, मैं अपने, मेरे पास इतनी ज्वेलरी है उसमें से कोई खोज खाज के ना आपको आपकी जैसा मिलते हुए ज्वेलरी पास कर दूंगी। उन्होंने बोला मुझे ना ज्वेलरी सेट पास कर देना, नेकलेस भेज दिया उन्होंने मुझे फोटो, मैंने बोला फोटो भेज दो, फोटो भेज दी उन्होंने, सारा कुछ डिसाइड किया। मतलब आपको ये बता रही हूँ कि इतने घपले होते हैं, क्योंकि उस दिन ना मेरा थोड़ा सा काम बढ़ गया था, शूट नहीं करना चाहती थी मेकअप लुक, पर मैंने फिर भी किया क्योंकि ये जरूरी था शूट करना। यार बोर हो रहे ना तो इसको आगे आप स्किप कर लेना, मुझे आप लोगों को चिटचैट अच्छी लगती, तो मैंने सोचा चलो मैं भी मार ही लेती थोड़ी सी कहानियां। मैं बेटा चश्मा तो उतार ले मम्मी बट। तो चलो मैंने प्रिया से फोटो ले ली, प्रियादीप से फोटो भी ले ली किया, तो मैंने उनको फोटो भी दिखा दी, मैं क्या मैं आपको ये वाला सेट पास करूंगी थोड़ा मिलता जुलता से। कहने बोला चलो ठीक है, हमने मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको
ऐसे करके, हाँ मैं आपको ऐसे करके सेट दूंगी नीचे से ऊपर, तो आप ऐसे नीचे मुंह करके आप ऐसे करके ले लेना, मतलब नीचे वो करके, ठीक है। हमने ये चीज डिसाइड की, पहली चीज तो मैंने वो बोला पार्ट ही शूट नहीं किया। अब आप बोलोगे छोटी सी चीज होती है, भाई यही तो होता है ना ट्रांजिशन, यही तो हम ज्वेलरी पास था ना ये हैशटैग, तो मैंने ज्वेलरी नहीं पास की, तो तभी मैं कह रही सर मेरे को कुछ अंदर से फीलिंग आ रही है, मैंने इनकम्प्लीट किया है। उसके बाद मेरे को रात को नींद ही ना, जब मुझे ये बात पता लग गया कि मैंने ये गलती किया, मैं सोच मैं प्रिया को कैसे बोलूंगी, उनको लगेगा ना कि भैया ये क्यों नहीं इसने पास किया, जब हमने इतना डिसाइड किया हुआ था, क्या ज्वेलरी सेट था, ये वो सब कुछ। फिर मुझे बहुत ज्यादा ना अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मानो कि मेरे को टेंशन इतनी होगी कि मैं सोचने लगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, कैमरे के सामने आके मैं सिर्फ नेकलेस पास कर दी, वो वीडियो जाके देख लेना आपको पता लग जाएगा, मैंने सिर्फ ना अपने हाथों से ना नेकलेस पास कर दिया, जैसे डिसाइड किया था नीचे से ऊपर जाएगा नेकलेस, मैंने पास कर दिया। सुबह जब प्रिया दी, जब प्रिया ब्यूटी जोन, दोनों का ही नाम प्रिया है ना, कंफ्यूज हो जाती हूँ, जब प्रिया ब्यूटी जोन वाले दी जो है उनको जब ये वाली क्लिप गई, क्योंकि वही एडिटिंग करती हैं, ठीक है, तो जब उनके पास ये वाली क्लिप गई तो उन्होंने बोला भाई तुम दोनों लड़कियों ने किया क्या हुआ है, तुम नीचे से अपने उसको उगा रही हो अपने नेकलेस को। मैंने बोला हाँ, कहते प्रिया ऊपर से ले रही है, तो मैं अगर नीचे से दूंगी तो प्रिया को तो नीचे से ऐसे लेना चाहिए था ना। मैंने बोला ओहो ये क्या गड़बड़ होगी, मैंने शूट नहीं किया और उन्होंने शूट किया, तो उन्होंने उल्टा शूट कर दिया। फिर मैंने दोबारा से उस क्लिप को, छोटी सी 2 सेकंड की क्लिप थी सिर्फ, फिर दोबारा से मैंने, सुबह नींद में थी मैं, पता जब उनका फोन आया मैं उनको देख के सो गई थी, फिर मैं उठी, फिर मैंने दोबारा से छोटी सी 2 सेकंड की क्लिप को ऐसे करके फेंका, अपनी छोटी सी 20 सेकंड की क्लिप को दोबारा एडिट किया, दोबारा उनको सेंड किया, तब जाके वीडियो एडिट उडिट करके अपलोड, तब जाके दोपहर के 1 बजे वीडियो डली थी। अब देखोगे उस वीडियो में एक नेकलेस सिर्फ ऐसे करके आ रहा है, लेकिन वो 2 सेकंड की क्लिप है, बट वही ट्रांजिशन होता है। कितना बड़ा मैंने बोल दिया भैया, 5-6 मिनट खागी मैं आपका, चलो फेस पैक लगा लेती हूँ। अब आप लोग बोलते थे चिट चैट किया करो, ये शेयर किया करो, मैंने बाद में प्रिया को बोला फिर व्हाट्सएप पे, मैं क्या आपको ऐसे देना था ना, आपने वैसे दिया, कहते ओहो सॉरी, तो मैं क्या मैंने तो शूट ही नहीं किया था, कहते हैं मेरे मतलब आपने तो चलो फिर भी शूट कर लिया था, मैं तो शूट ही करना भूल गई थी। हेलो दे लग दे ना क्या, इधर आज दिखा दे अपनी शक्ल, दिखा दे। चलो गाइस अब मैं फेस पैक लगा लूं, अच्छा पीछे से आजा, दिख जाएगा तू। हाँ हाँ। वैसे पॉप मैं छत पर इसलिए गया था, पापा को मनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मनाना नहीं पाया तो अपना जो हमने मैंने वो छत पर रिलैक्स रूम बनाया उस जगह, छत पे इसके पापा के कार्टून पड़े होते हैं, उसको इधर उधर उधर इधर इधर उधर करता रहता है, वो शोर मचाते हैं मेरे सामान मत छुआ कर, चादरें लगा लगा के बच्चे 4-5-6 शाम को रोज शाम को इकट्ठे हो जाएंगे, आसपास वाले पंगे लेते रहेंगे, फिर उसके अंदर फिर इसके पापा इसको बोलते कि मेरे सामान मत छुआ करना। अब तो डांटा ही नहीं उन्होंने, उन्होंने उन्होंने सामने आके बोलना, सामने आके कुछ नहीं तोड़ा उन्होंने, नहीं तोड़ा, शूरैक तोड़ा, मैंने शूरैक भी बनाया छोटा सा। अच्छा चलो गाइस, तू अब पंगे लेते छत पे जाके तभी तुझे डांट पड़ती है, तो क्यों पड़ी, डांट ही नहीं पड़ी। हाँ तो आज नहीं पड़ी ना, अच्छी बात है, आज तो बच गया। और डांट पड़ती ना तो गाल लाल हो जाता, डैडी जी के पीछे पैर पड़ती, देखो इतनी भी नहीं पड़ती जितना तू बता रहा है। हाँ जाना आके मैल खोरिया, जाना बेटा ना लेना, फिर कल तेरा टेस्ट आ, फिर तेरे आरफ के 1 हफ्ता टेस्ट चला, फिर से टेस्ट शुरू है, एक बार छत पे जा सकता हूँ, जा गाइज। अब तो मैं इसको लगाई जा रही हूँ, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ है, खत्म हो गया अब ये, ठीक है चलो बात भी कर ली मैंने, ये भी खत्म हो गया, मिलते आपको 20 मिनट के बाद। 20 मिनट्स मैंने क्या करना है, मैंने आज अभी एक शूट करना है, मतलब ये लगा लिया है, इसको पहले उतार दूंगी, फिर देखती हूँ फटाफट से कोई एडिट करती हूँ ये वाली वीडियो को, क्योंकि ये चिट चैट ही है, बस इसको जोड़ना ही है क्लिप्स को। मिलते हैं आपको यार थोड़ी देर बाद, उतनी देर मुझे दूध बॉयल करना है एंड करती हूँ। आज पता क्या हुआ, आज मधुमक्खी का छत्ता लग गया, पता है कहाँ पे छत्ता लग गया, हमारे कमरे के बाहर वो जो वो से नहीं लटकी होती, वो मिट्टी का जो गोल गोल से लाइटों वाला नहीं लटका होता, उसके अंदर छत्ता था। और मैं कब से सोच रही हूँ भैया यहाँ पे इतनी सारी परिंडा क्यों होगी आसपास, इन्निया परिंडा इतनी की कर रही है इन्निया परिंडा, बाद में ना मैंने देखा कि 2-3 परिंडा ना उदे च जा रही हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, उसको वॉश करके रखा हुआ है टेबल पे अच्छी तरह से, मैंने सब आज छत्ते को ना पानी में फिर डाल दिया, उसको पानी वाली बाल्टी में, शूट शाट नहीं किया उसमें, शूट का करना था दिमाग में, बस मुझे था कि चलो पर करना चाहिए था ना, आपको भी दिखाती चलो कोई ना। फिर उसको मैंने निकाला वहां से, उसको धोया, इतना बड़ा छत्ता था, इतना बड़ा, और जब पानी में डाला ना पूरा वो मिट्टी का सारा सारा, उसमें से मधुमक्खियां बाहर आ रही थी, और इतनी मोटी मोटी मधुमक्खियां थी, पीली पीली सी,
और तो देख के डर गए उसके पापा और डर गए, मत कर तू, मैं क्या कैसे, मैं क्या फिर इसकी बात कर रही हूँ मैं इसकी। हाय मिट्टी की खुशबू आ रही है, ये तो थोड़ा सा सूख गया, इसको जल्दी धोया था, दोनों में से किसी का इसके अंदर लगा था, इसके अंदर है ना। फिर मैं इसके पास ही खड़ी थी, आपको पता ना मेरे दरवाजे के पास ही लगा, ये भाई के साथ जाके लेके थे, सड़क के किनारे पड़े होते नहीं जो मिट्टी वाले बेचते, इसके अंदर वैसे बल्ब लग जाते हैं, ऐसे तार निकल जाते हैं, आपको दिख रहा होगा होल है, हमने बल्ब तार लगाया तो काम किया नहीं, बस ऐसे इसको लटका दिया बाहर, बहुत सुंदर लगता है। एंड माई गॉश किसको पसंद है मिट्टी की खुशबू यार, मतलब इट्स इनसेन, मतलब पता नहीं क्यों मेरा रूह खुश हो जाती है। मिट्टी की खुशबू किसको पसंद है यार, बताना मुझे जरूर। धोया और एकदम ठंडा ठंडा है, घड़े का पानी पीते ना वो, कोई टूटी ना चाय, रुको मैं टांग दूंगी अभी इसको। इधर की बात कर रही थी मैं गाइस, इधर ये जो यहाँ पे लगा था ना, तो उधर सबको लाइट जलाना था, ये देखो ठीक है, इधर की बात कर रही थी मैं, इधर वाले में लगा हुआ था। अरे मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा, चेयर पे खड़ी होके करना पड़ा, आरव की चेयर ले आई मैं, गिरी ना जाऊं भाई, मम्मी खड़ जाओ खड़ जाओ खड़ जाओ खड़ जाओ, कहाँ गया चलो। देखो दोनों तरफ लगा दिया, इधर भी और इधर भी, उधर वाले में छत्ता हो गया था। प्लांट्स का अपडेट देती हूँ, देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं मेरे प्लांट्स, सब में पानी डाला इनको, यहाँ पे लगा था ना कड़ी पत्ते की डंडी, डंडी डुंडी तो लगी नहीं, पता नहीं अभी तक निकाला नहीं मैंने, देखते हैं क्या होता है इसका। क्या कर रहा है रहा? चल नीचे नहीं जा रहा, तू बाथरूम में जाएगा, अद्दा यार लाइट ऑन कर ले रहा हूँ। चलो गाइस अब मैं ये लगाने लगी, ये भी अमेज़न से लिए थे आप सबको पता है, ए उई खड़ी होगी मैं चेयर पे, कहाँ है मेरा, ठीक है चलो 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 लग गया। ये है गणेश जी, लक्ष्मी जी और ये है सरस्वती जी, इनको भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था मैंने, फिर अमेज़न पे आपको मिलेंगे ये। अब ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, आई लव दिस येलो लाइट, ये भी आपको अमेज़न से मिलेगी, अमेज़न की ऐड नहीं कर रही, बट जो लोग नए जुड़े हैं ना तो मुझे लगा अगर आप पूछो, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है अमेज़न की ये लाइट, ठीक है आई लव। अच्छा ये हरे वाले भी अमेज़न के, हे भगवान अमेज़न की ऐड नहीं कर रही यार, पर जहाँ से जो चीज़ मिलती है, ये भी अमेज़न का है बाई द वे। चलो बस यही था गाइज, 20 मिनट्स हो गए, मुझे ध्यान में आया कि मैंने एक गड़बड़ की, आपको बताना चाहिए था ना, चलो आप कैसे बताते। मैं उस एंगल से फोन रख के शूट करने लगी जैसे मैं कोई टिकटॉक या इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रही हूँ, मतलब मैं दिमाग से निकल गया मैं यूट्यूब के लिए बना रही हूँ, मुझे तो फोन ऐसे रखना चाहिए था ना, अब वो वाली क्लिप को जाने दूंगी, डिलीट नहीं करूंगी, मतलब एनीवेज चलो मुंह धो के आती हूँ मैं, एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट ड्राई है ये, कहीं यहाँ से तो बिल्कुल ड्राई है, यहाँ से हल्का हल्का सा गीला है, क्योंकि बात करते करते ओवर ही लगाई जा रही थी ना एक जगह पर, तो थोड़ा सा रह गया, वॉश करके आते हो। मैंने अपना कर लिया एंड थोड़ा सा चश्मा साफ कर रही थी मैं, अपना नया लेती हूँ क्योंकि लेंस कार्ड पैगेस डिलीवरी ओपन हो चुकी है, स्किन एकदम क्लीन लग रही है, जो कायलिन क्लेन आप जरूर ट्राई करना, इससे क्या होता है ना आपकी स्किन चिकनी हो जाती है, अगर आपके यहाँ पे डस्ट है, गंदगी है, धूल मिट्टी, ये मुल्तानी मिट्टी की ही बहन है, मैंने आपको बोला ना, तो ये काफी अच्छी ली थी यार, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझे पसंद आया ये, और एकदम स्मूथ सी लग रही है स्किन, देख सकते हो। मैंने एक चीज नोटिस की, जैसे पोर्स होते हैं ना वो भी बंद बंद लग रहे थे, मतलब पोर्स छोटे छोटे होते हैं ना फेस पे, यहाँ पे क्लोज क्लोज लग रहे थे मुंह धोने के बाद, देखो यहाँ पे परछावा आता है क्या, क्योंकि मैंने अभी जुगाड़ किया हुआ, आपने देखा होगा अगर मुझे मेकअप वीडियो में, तो मैंने यहाँ पे ना जुगाड़ करके, अरे यार उनको जुगाड़ किया हुआ है, ये दो डब्बे रखे उसके ऊपर, ये रिम की टिकिया रखे, क्योंकि आपको पता मेरा स्टैंड टूटा पड़ा है एंड अमेज़न यहाँ पर डिलीवरी कर नहीं रहा,
तो मुझे ऐसा लगता है जैसे लाइट के सामने रखा है तो अच्छा हमारा है. एनी वेज आई एम डन विद दिस. और टोनर अप्लाई करते हैं. टोनर वेट सिंपल, ये डर्म डॉग का टोनर आपको पता है, ये है हाइड्रा बूस्ट वाला. अगर आपकी ओवर ड्राई स्किन है ना, ओवर वाली ड्राई स्किन, तो आप अगर इसको यूज करते हो ना, तो आपको इसके अंदर कर्ड या फिर दूध वगैरह मिक्स कर लेना, ठीक है. मैं तो नॉर्मल की कैटेगरी में, नॉर्मल टू ड्राई की स्किन में, ऑयली स्किन वालों को तो बहुत मस्त लगेगा ये प्रोडक्ट, मतलब उनको मजा आ जाएगा यूज करके. कायलिन. चलो टोनर हो गया, सिंपल से क्रीम लगाती हूँ, उसका देर घर का काम करना है. बस ऐसे ही होता है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल निकाल के वीडियो शूट कर ली. अब देख रहा आजकल मैं वीडियो की मेरी फ्रिक्वेंसी कम है, मतलब मैं कम डालती हूँ, कम शूट कर पाती हूँ, नहीं टाइम मैनेज कर पाती यार. चलो क्रीम लग. अच्छा ये थी डर्म डॉग की एंटी एक्ने नाइट क्रीम विद सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड अगर आपके पिंपल की प्रॉब्लम है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. हल्की सी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है इसमें से. यही थी आज की वीडियो, होप आप लोगों को अच्छी लगी. आई नो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, बट आई ट्राई कि मैं उसको कट कर सकूं, थोड़ा शॉर्ट कर सकूं. अब मैं यहाँ पे लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ, बायोटिक की लिप बाम. एंड सिंपल से रूटीन थी, बस इसकी वजह से ये मुझे ट्राई करना था जो मैं रात को नहीं कर सकती थी, इसलिए नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू किया. बहुत अच्छी लिली हुआ है, टिंटेड है, तो हल्का सा क्या होता है आपको लिप्स के ऊपर ना कलर रह जाता है, तो अच्छा लगता है. एंड ये वाइटनिंग वाली है, तो डेफिनेटली अगर आपकी लिप्स के ऊपर अगर कालापन है तो निकल जाएगा. आपने देखा इधर मैं, मतलब मैं रेगुलर लिप बाम्स लगाती हूँ. एक और चीज़ है, लिप बाम्स अपने रेगुलर लगाया करो, आपके लिप्स का कालापन निकलना शुरू हो जाएगा. लिप्स ड्राई रखोगे और फ्लेकीनेस होंगे, ब्लड निकलेगा और काले ही होंगे, उससे क्या होगा, ठीक है. ये काफ़ी अच्छी लिबायटिक की है, वाइटनिंग वाली लिप बाम है, अच्छा रिजल्ट है इसका. चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय. जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके मैं लिंक आपको डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड आई एम डन विथ माई स्किन केयर, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड. चलो बाय. आप लोगों को ना आजकल चिटचैट वाली वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही हैं, व्यूज़ अच्छे आते हैं, कॉमेंट्स अच्छे आते हैं. एक्चुअली व्यूज़ का तो चलो क्या, कॉमेंट्स चाहे कम लोग देखें चाहे लेकिन जो कमेंट्स होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग पता लग जाता है कि आपको पसंद किया उन्होंने ये वाली वीडियो को. कमेंट से बेसिकली पता लग जाता है कि पसंद किया वीडियो को, तो अच्छा लगता है. तो पसंद करते जाओगे तो और मैं ऐसे आप लोगों का सिर खाने आती रहूँगी और क्या. फिर जब जब मेकअप करूँगी तब तब उतारते समय भैया आ जाओ फिर सिर खाते फिर कुछ नया बोलने आ जाऊँगी. बाय अभी के लिए, क्योंकि अभी मुझे काम करना है.